सत्र पहुंच रहे थे, जो तीन कृषि अध्यादेश आए हैं कृषि विषयों को लेकर, चाहे उसमें मंडी का हो, चाहे आवश्यक वस्तु अधिनियम हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो, किसानों का मानना है कि इन अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद जो है देश का किसान गुलामी की ओर जाएगा और ऐसे हालात होंगे जैसे 43-44 के बंगाल के अकाल में देश में ईस्ट इंडिया कंपनी अनाज की खरीद करती थी, देश में पर्याप्त अनाज था लेकिन 40 लाख लोग भूखे मरे थे। दूसरा हमें खतरा है कि इससे इस मंडी एक्ट के संशोधन से जो सरकारी मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सरकार जो है हर व्यक्ति को, हर क्षेत्र को, जो इनके अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या गैर सरकारी सेक्टर है, उनको भी निजीकरण की तरफ धकेलना चाहती है। तो आज ये बिल पार्लियामेंट में पेश हो रहे हैं, हम इनके विरोध में प्रदर्शन के लिए आए थे, यहाँ पे यूपी बॉर्डर पे आज रोक लिया गया, तो हमारा धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे जारी है। और बेसिक हमारा यही है कि हम मैसेज देने के लिए आए हैं कि इस देश का किसान इन अध्यादेश के विरुद्ध है। और हरियाणा में आपने 3 दिन पहले देखा कि कितने लोग इकट्ठा हुए वहाँ पे, किस तरह से बब्बरता की गई। तो हम मांग करते हैं कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको तुरंत बर्खास्त करें मोदी। इन सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ देश भर के किसान आंदोलन की राह पर हैं। हाल ही में हरियाणा में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था, आज दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन हुआ। यूपी की तरफ से जा रहे किसानों को यूपी गेट पर रोक दिया गया, पुलिस ने दिल्ली में नहीं जाने दिया। वहां किसानों ने जबरदस्त नारेबाजी की और धरना देकर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यूपी गेट पर प्रदर्शन हुआ, जबकि देश भर के तमाम किसान संगठनों के बैनर तले दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। आज हमारा जो ये आंदोलन है 9 अगस्त 2020, आपको याद होगा कि 1942 में अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के मेहनत कश किसान मजदूर सड़कों पे आए थे और अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा था। आज
हमारे किसानों की मेहनत कसों की ये आवाज़ है कि कारपेट भगाओ और किसानी बचाओ। इसके तहत आज का ये कार्यक्रम पूरे देश में जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, आज किसान बचाओ और देश बचाओ, इसके लिए कॉरपोरेट लोगों को भगाना है, ये नारा लगा के हमारा आंदोलन सारे देश पर हो रहा है। आज हर एक गांव गांव में किसान सत्याग्रह हो रहा है और किसान बचाओ दिन को आचरण हो रहा है। और किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है किसान का दाम, वो किसान को दाम मना कर रहा है एक कॉरपोरेट शोषण का कारण। किसान को हमेशा परेशानी में रहना पड़ता है, उनका कर्जा में रहना पड़ता है, उनको खुदकुशी करना पड़ता है। ये खुदकुशी कदम करना चाहिए और ये कर्ज से मुक्ति होना चाहिए, ये किसान का सबसे बड़ा नारा है। इसके लिए हमको कॉरपोरेट को भगाना है और किसानों का सहकारिता कृषि खेती वो सहकारिता खेती के लिए नीति बनाना चाहिए। इसके लिए किसान का और मजदूरों का ताकतों को हमारा आज का सारे देश पर हमको सशक्तिकरण करना चाहिए और ये आंदोलन उसी लक्ष्य के ओर से आगे बढ़ेगा और हमारा आज़ादी किसान और मजदूर का आज़ादी के रूप में बनाने में ये आंदोलन बहुत बड़ा भूमिका पैदा करेगा। इसका साथ लाल सराह। आज पूरे देश में 9 अगस्त 1942 को फिर से खड़ा किया जा रहा है। किसान जिनके बाबा ने उनके पिता ने सन 42 में अंग्रेज़ों को भगाने की बात करी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी इतनी फैल गई कि पूरे देश पे कब्जा हो गया। उस समय उन्होंने कहा था कि खेती होती है और उनके बच्चे और उनके पोते नाते ये सब जो हैं आराम से अच्छी ज़िंदगी बताएंगे। उन्हें नहीं मालूम था कि 78 साल बाद भी आत्महत्या होती रहेंगी यहाँ पर। इसलिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने आज ये फैसला किया है, देश के अलग संगठनों ने फैसला किया है कि जो मोदी जी ने 3 अध्यादेश जो लेके आए हैं कॉरपोरेट को लाने के लिए, किसान को बर्बाद करने के लिए, उस किसान को जिसने कोरोना के अंदर देश की सेवा करी, कोरोना में देश को खिलाया, उसको बर्बाद करने के लिए 3 अध्यादेश लेके आ गए और बिल लेके आ गए बिजली का और डीजल। उन्होंने हमारा डीजल बढ़ा दिया और 20 लाख करोड़ में एक पैसा नहीं दिया किसानों को, केवल बोलते रहे। आज भी सुना है मोदी जी बोल रहे हैं कि मैंने सम्मान योजना की 6ठी किश्त दे दी। अरे कभी कभी कहते हो कि अधिकारियों को मैंने हर महीने का फिर गिनती कराते हो क्या? किसान को क्यों गिनती कराते हो, क्यों जलील कराते हो? तभी तो किसान आत्महत्या करता है। आत्मनिर्भर की बात करते हो और किसान को बर्बाद करते हो, ये नहीं होगा। इसलिए ये शुरुआत है। जंतर मंतर पे हम आए थे नवंबर 2018 को, लाखों किसान यहाँ पर आए थे, उसी की ताकत देख के तो मोदी जी ने सम्मान योजना चालू की थी एक हफ्ते बाद। आज यहाँ पर हम केवल सिंबॉलिक तरीके से आए हैं क्योंकि कोरोना है, बाहर नहीं आ सकते। प्रेम सिंह जी हैं हरियाणा से, केपी जी हैं केरला से, दादा हैं हनंदा हैं वेस्ट बंगाल से, पुरुषोत्तम जी हैं उत्तराखंड से, हम सब अलग अलग यहाँ पर केवल सिंबॉलिक तरीके के लिए इकट्ठा हुए यहाँ पर कि जंतर मंतर से लड़ाई हमने उस समय स्टार्ट की थी, वहीं पर हम खड़े हैं। और इसके बाद आज की तारीख में देश में ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर आंदोलन चालू नहीं होगा। और ये आंदोलन आज का नहीं है, ये आंदोलन चालू होगा जैसे 42 में हम लोगों ने, हमारे बाबा ने, उनके पिता ने आंदोलन चालू किया था और जब तक विदेशी भाग नहीं गए थे आंदोलन चलता रहा था। ऐसे ही जब तक हमारी 9 मांगे पूरी नहीं होती हैं ये आंदोलन चलता रहेगा। आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो हिंदुस्तान के 250 किसान संगठन का एक प्लेटफॉर्म है, ये हम 3 साल से किसानों का मांग को लेके लड़ाई लड़ रहा है। किसान का फसल का सही दाम उसी दाम में खरीद करें और उससे कम दाम वाला को जेल में डाले, और उसके साथ सही दाम स्वामीनाथन का जो सुपारिश है
खर्चा से डेढ़ गुना, ये है एक मांग। और दूसरा था हमारा कर्जा माफी, 4 लाख किसान खुदकुशी किया, किसान का कर्जा माफी हमारा मांग था। इसके साथ साथ किसान का फसल का जो नुकसान होता है उसको क्षतिपूर्ति, किसान का उपज के लिए उसका जो रॉ मटेरियल्स है उसका सस्ता में सरकार सरबराह करे, भूमिहीन को जमीन दे, बटाईदार किसान को बटाईदारी का रिकॉर्ड करे और फसल खरीद करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत करके किसानों से सारे जनता को सही ढंग से खाद्य मुहैया करे। ऐसा 9 सूत्री हमारा मांग है। 9 सूत्री मांग लेके हम पूरा देश में आज किसान आंदोलन में उतारा है। हमारा ये मांग है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी सरकार 6 साल आया, हमारा देश का किसान का लगातार गद्दारी किया। उन्होंने ऐलान किया था हम 1.5 गुना दाम देंगे, दिया नहीं। ऐलान किया था कर्जा माफी करेंगे, किया नहीं। और आज नया तरीका से गद्दारी कर रहा है, जो 4 ऑर्डिनेंस लाया है, बोल रहा है किसान का सही दाम मिलेगा और झूठ है। जो बोल रहा है किसान व्यापार करेगा पूरा दुनिया में, गरीब किसान माझोली किसान कर नहीं सकता, ये झूठ है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को बदल के बड़े बड़े अदानी अंबानी को हजारों टन गोडाउन में रख के कालाबाजारी करने का हक देने के लिए ये कार्यक्रम किया है। बिजली बिल बढ़ा के किसान का बिजली और डीजल के बिना किसान आबाद नहीं कर सकता, आज इसको दाम बढ़ाया है। एक तरफ गद्दारी कर रहा है, एक तरफ तो अचानक लॉकडाउन घोषणा करके आज पूरा देश के इकोनॉमी को गड़बड़ कर दिया और आज किसान के साथ गद्दारी कर रहा है। आज इसलिए पूरा देश में हमारा किसान ने लड़ाई लड़ रहा है। 250 किसान संगठन आज पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 400 जिला केंद्र में, तो कम से कम उससे ज़्यादा भी हो सकता। हम हर जिला केंद्र में कलेक्टर के सामने लड़ाई कर रहे हैं। कोई जगह में कोटिंग अरेस्ट होता है, कोई जगह में धरना हो रहा है, कोई जगह में मोहल्ला मोहल्ला में रैली हो रहा है, पूरा देश में हो रहा है। हम दिल्ली में एक प्रतीकात्मक रूप में केंद्र है, यहाँ से ये लड़ाई का ऐलान करता है। ये शुरुआत है, जैसा ब्रिटिश को भागा के हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, आज सांप्रदायिक ताकते, विभेदवादी ताकते, गुंडा बदमाश ने किसान को मारने वाला ताकते, किसान को खत्म करने वाला ताकते जब तक हिंदुस्तान से नहीं हटेगा ये लड़ाई चलता रहेगा। इसलिए AIKSCC ये आंदोलन का आह्वान किया है, पूरा देश के कोने कोने में 400 से ज़्यादा जिला में हजारों जगह में कर रहा है। इसके साथ साथ अब देखो मजदूर भी है, मजदूर को 44 कानून को ख़त्म करके, मजदूर को 12 घंटा काम करके उसको गुलाम बनाने का साजिश चल रहा है और पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। उसके लिए मजदूर भी आज हजारों 10 ट्रेड यूनियन यहाँ केंद्रीय रूप से पूरा देश में सरकार का मजदूर विरोधी कानून के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। इसलिए आज पूरा देश में मजदूर, किसान, गरीब, खेत मजदूर, बटाईदार, सारे दुकानदार सब मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई एक शुरुआत है। आने वाला दिन में देशद्रोही दुश्मनों को देश से भागा के किसान सांस लेंगे, ये आज हमारा प्रतिश्रुति है। इसलिए आज आंदोलन चल रहा है। मैं आपसे आभारी हूँ कि आज इस बात को गांव गांव में पहुँचाने में मदद करो। सर एक सेकंड, हमारे जो किसान नेता हैं सबने, साथियों ने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आज पूरे देश में लाखों लाख किसान ब्लॉकों पर, तहसीलों पर, जिला मुख्यालयों पर, अपने ग्राम पंचायतों पर इस सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां हैं, खास करके जो अभी 3 नए अध्यादेश सरकार लाई है, ये अध्यादेश इस देश के अंदर हमारी खेती और हमारे किसानों को दोबारा से गुलाम बनाने की साजिशें हैं मोदी सरकार की, और न सिर्फ कॉरपोरेट के गुलाम बनाने की बल्कि मल्टीनेशनल को, दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतों को नरेंद्र मोदी यहां से न्योता दे रहे हैं कि आओ अब खेती में भी हमने आपके कब्जे कराने के रास्ते खोल दिए हैं। इस देश के सारे संसाधनों की नीलामी करते हुए मोदी सरकार की नज़र अब भारत की खेती पर है, किसानी पर है, कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल की भी नज़रें इस खेती किसानी पर हैं, और इसलिए आज इस देश की खेती और किसानी को दोबारा से कंपनियों का गुलाम बनाने की साजिशें हो रही हैं। अब तक जितने भी भूमि संबंधी कानून थे उन कानूनों को पलटा जा रहा है, सीलिंग कानून पलट दिए गए हैं,
भूमि उपयोग संबंधी कानून पलट दिए गए हैं, जिससे कृषि भूमि पर जो है मल्टीनेशनल का कॉरपोरेट का कब्जा आसानी से हो सके। कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए जो है काम हो रहे हैं। वन कानूनों को बदला जा रहा है, पर्यावरण संबंधी कानूनों को बदला जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जो जंगलों के अंदर आदिवासी हैं, वनों पहाड़ों में जो किसान हैं, जो जंगल के आसपास की ग्रामीण आबादी है, कृषक आबादी है, उसको उनके गाँव से खेतों से बेदखल किया जा सके, उनको वहाँ से जो है खदेड़ा जा सके। तो ये जो हमारी खेती और किसानी को दोबारा से गुलाम बनाने की साजिशें हैं, इन साजिशों का जम करके प्रतिकार आज हो रहा है। और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से इस लड़ाई का जो आह्वान हम लोगों ने किया है, हम लोग इस देश के अंदर खेती किसानी को गुलाम नहीं होने देंगे। हम लोग इस देश के अंदर मजदूरों पर जिस तरीके से हमले तेज हुए हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस देश के अंदर लोकतंत्र पर, संविधान पर, संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी सरकार जिस तरीके से हमला कर रही है और एक कंपनी राज, फासीवादी राज इस देश के अंदर लादना चाह रही है, इस देश का मजदूर किसान ईंट से ईंट बजा करके अंग्रेजी साम्राज्यवाद को यहां से खदेड़ा था, आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है, जो है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस का दिन है। और इसलिए हम ऐलान करते हैं कि जब तक हमारी खेती किसानी को गुलाम बनाने वाली ये जो मोदी सरकार है, इसको हम यहाँ से खदेड़ नहीं देंगे, तब तक किसानों का ये आंदोलन गांव से लेकर के जिलों तक जो है जारी रहेगा।